हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीपिका माय फ्रेंड्स में। और आज मैं उनके लिए मेकअप लेके आई हूँ जिनके पास मेकअप प्रोडक्ट नहीं है और जिनको बिल्कुल भी मेकअप नहीं आता है, तो थोड़ा सा भी इसको देखकर मेकअप सीख सकते हैं। ये मैंने पहले टोनर का इस्तेमाल करा हुआ है, आप क्लिंजिंग मिल्क भी लगा सकते हो। फिर मैंने ये मॉइस्चराइज़र लगाया है, आप किसी भी कंपनी का मॉइस्चराइज़र लेके लगा सकते हो। मॉइस्चराइज़र वाला आप फाउंडेशन भी यूज़ कर सकते हो, क्रीमी जिनका अगर फाउंडेशन वो क्रीमी जिनका फाउंडेशन हो तो वो अगर मॉइस्चराइज़र नहीं भी लगाते हैं तब भी चलेगा। फाउंडेशन में मिक्स करके भी आप मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो, यानी कि मॉइस्चराइज़र में आप फाउंडेशन भी यूज़ कर सकते हो मिक्स करके। आप नेक में भी जरूर लगाइएगा, ऐसा ना हो कि आपका सिर्फ फेस अच्छा लगे और नेक उससे मैच ना करता हो। ये मैंने फाउंडेशन लिया हुआ है अलग से, फिर मैं इसको डब डब करके इसको लगाएंगे। और फिर इसको पूरी अच्छी तरीके से फैला देंगे। आप ब्यूटी ब्लेंडर से भी इसको कर सकते हो कंसीलर। और ये फिर मैंने कंसीलर लिया हुआ है। कंसीलर का काम होता है जैसे आपकी आँख डार्क स्पॉट्स वगैरह है आपकी आँखों के पास, और या फिर आपके कोई स्पॉट्स वगैरह है तो उसको ये क्लीन कर देता है, बिल्कुल आपका एक सार सा फेस लगने लगता है, इसलिए कंसीलर का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे लोग फाउंडेशन से भी उसको कर लेते हैं, लेकिन अब कंसीलर से ज़्यादा होता है। और कंसीलर का आप यूज़ जो चीज़ आपको ज़्यादा आपको उभार के दिखानी है वो भी आप उसके लिए भी यूज़ कर सकते हो। जैसे आजकल लिप्स को उभार के दिखाया जाता है, नोज़ को दिखाया जाता है, हाईलाइट किया जाता है, तो इस तरीके से आप उसको यूज़ कर सकते हो। जिनके डार्क सर्कल्स हैं वो डार्क सर्कल्स को भी छुपा सकते हैं इससे, नोज़ को उभारने के लिए आपको नोज़ के ऊपर भी लगाना पड़ेगा, फिर ब्यूटी ब्लेंडर से आपको इसको एकसार करना पड़ेगा। आप ब्यूटी ब्लेंडर से को एकसार कर दोगे एक सार करने के बाद आपका फेस बिल्कुल एक जैसा लगने लगेगा, कहीं पे भी आपको डार्क सर्कल्स वगैरह नहीं लगेंगे। फिर आपने आईब्रो पेंसिल लगानी है। आईब्रो आपकी जिस शेप में भी आप चाहते हो आपने उसी शेप में उसको करना है। फिर कॉम्पैक्ट लगाना है, कॉम्पैक्ट आप कोई भी कंपनी का ले सकते हो। गालों को ऊपर की तरफ से उभार के लगाइएगा कॉम्पैक्ट को। फिर आपने कलर करेक्टर का यूज़ करना आइज़ के ऊपर, जो भी आपको चाहिए। फिर ये मैंने आई शैडो यूज़ करा है मैंने, क्योंकि पिंक कलर की ड्रेस पहनी है इसलिए मैंने पिंक कलर का लगाया है। आपने इसको इस तरीके से लगाना है, फिर इसको गोल गोल घुमा के भी लगाइएगा, आई क्रीज के नीचे ही नीचे लगाना है आपको। फिर मैंने आईलाइनर लगाया। आईलाइनर आप मोटा भी लगा सकते हो और पतला भी लगा सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे। आप विंग वाला भी लगा सकते हो, प्लेन भी लगा सकते हो। काजल, बहुत से लोग काजल से आईलाइनर लगाने से पहले काजल लगा लेते हैं, कई लोग आईलाइनर लगाने के बाद काजल लगाते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे लगाते हो। फिर काजल लगाते काजल को भी आँख बंद करके लगाइएगा जिससे उसके चारों तरफ लगे। फिर हमने यूज़ किया है मस्कारा। मस्कारा भी आपको बहुत अच्छी तरीके से लगाना है, ऊपर नीचे दोनों तरफ लगाना है, और इस तरीके से लगाइएगा कि आपको ऊपर की तरफ आईलेसेस अपनी लेके जानी है। फिर मैंने ब्लेसर का यूज़ करा है अपने चिक्स हाईलाइट करने के लिए, नोज़ हाईलाइट करने के लिए, फोरहेड, चिन। और ये फिर मैंने लास्ट में दिया है लिप कलर, क्योंकि मैंने पिंक टॉप पहना हुआ था इसलिए मैंने पिंक लिपस्टिक लगाई है। और एक छोटी सी मैंने बिंदी लगाई है, आप बिंदी कोई डिज़ाइनर भी लगा सकते हो जो आपका मन करे। मैंने नॉर्मल से आपको करके दिखाया है। फिर मैंने हेयर्स को खोल के अपने बालों को कॉम करा है, देखो कि लुक चेंज हो गया। आप चाहो तो स्ट्रेटनर का यूज़ करके भी आप अपने बालों को स्ट्रेट कर सकते हो और अच्छा सा लुक